हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटी काले चना की नमकीन। फ्रेंड्स, इसको हम चना पटाखा भी बोलते हैं। ये मार्केट में काफ़ी इजीली मिल जाती है, पर मार्केट से ख़रीदना थोड़ा सा महंगा पड़ता है और बहुत ही सस्ते में बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको घर पर चना पटाखा बनाना बताऊँगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी होती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 1/4 कटोरी चना। ये मैंने यहाँ पर देसी चना लिए हैं। आपके पास जो भी चना अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, बट आप कोशिश करें कि आप इसमें देसी चना का ही यूज करें, क्योंकि वो फूलने के बाद थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उससे हमारी जो नमकीन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इस तरह का एक बड़ा बाउल। अब हमें क्या करना है, सारे चनाओं को हम इसमें डाल देंगे। अब हम चनाओं को इसमें सोक करेंगे, तो उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको 2 से 3 बार तक धो लेते हैं। इसमें से थोड़ी बहुत गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सारे चनाओं को अच्छे से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें कम से कम 1 लीटर के करीब पानी, और इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए सोक होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि चनाओं को हमें भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 से 4 या 4 से 5 घंटे के लिए आप इनको भिगोते हैं। आप चाहे तो इनको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, आप सुबह नमकीन बना रहे हैं तो। अब हम इसको इस तरह से कवर करके छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको रखे हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और जो हमारे चने हैं काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने यहाँ पर देसी चनाओं का यूज किया है। आप देख सकते हैं साइज में किस तरह से फूल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया प्यारा कलर भी आ गया है इनका। अब हम क्या करेंगे, इनका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम इसमें से निकाल देते हैं और साफ अच्छे से पानी से हम इसको 1-2 बार और धो लेते हैं, क्योंकि इसमें जो जब तक इसमें थोड़ा बहुत पीलापन रहेगा जब तक हम इसको धोते रहेंगे। तो 2 बार में 3 बार में जब तक इसमें थोड़ा बहुत पीलापन दिख रहा है आप धोते रहें, बिल्कुल साफ इनको कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको एक स्ट्रेनर में निकाल दिया है। अब हम इसी तरह से इनको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाएगा। तो 5 मिनट के बाद अब हम लेंगे इस तरह का एक किचन टावल और उस पर हम सारे चनाओं को डाल देते हैं। अब हम इनको अच्छे से इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से मैंने सारे चनाओं को फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको 1.5 घंटे के लिए हम पंखे की हवा में या खुली हवा में आप छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो इनको 15 से 20 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो भी पानी है वो नहीं रहना चाहिए। देखिए, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। जब मैं हाथ में इस तरह से ले रही हूँ तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और बिल्कुल भी इसमें गीलापन नहीं है, यानी कि सारा पानी इसमें से अब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब मैंने यहाँ पर रख दी है गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए। उसमें से यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े से इसमें चने डालूंगी। अच्छे से हम चनों को फ्राई करेंगे। गैस का जो फ्लेम है उसको मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम में हमें बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इनको फ्राई करना है। इनको फ्राई होने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है एक बैच को, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होता है कि बाहर से तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं बट अंदर से वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं, तो हमारी जो नमकीन है अच्छी नहीं बनेगी। तो बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर ये इनको हमें इस तरह से तलना है। बहुत ही मज़ेदार नमकीन बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आप इसको मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये काफ़ी महंगे दामों में मिलती है। थोड़ी सी नमकीन आपको 200 से 250 रुपये में मिलेगी, बट घर पर 200 से 250 रुपये में काफ़ी सारी नमकीन बन जाती है। सारे घर के सदस्य अच्छे से खा लेंगे और बहुत ही अच्छी भी बनती है। तो इसमें से छींटे ना आए तो उसके लिए मैंने इसको कवर करके थोड़ा देर के लिए इस तरह से रख दिया था, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी चना फूलते हैं ना तो वो फूट के क्या होता है, उचट के आते हैं। तो आप इनको बीच बीच में इस तरह से कवर भी कर दें। ये देखिए, यहाँ पर इनको मैंने 3 से 4 तक अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, एकदम बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं। तो इस तरह से मैंने इनको एक स्टेनर निकाल दिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल उनमें से निकल जाएगा। तो इस तरह से इनको झड़ाते हुए निकालेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें से कढ़ाई में ही रह जाएगा। तो अब हम चनाओं को निकाल देंगे टिश्यू पेपर पर। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए चनाओं को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि इनको हम कवर कर देंगे, क्योंकि इसके छींटे आते हैं हमारे ऊपर। इस बात की आपको पूरी सावधानी रखनी है, नहीं तो आप जल भी सकते हैं, क्योंकि ये फूटते हैं तो एकदम उचट के आते हैं बाहर। ये देखिए, इन चनाओं को मैंने लगभग 8 से 10 मिनट तक फ्राई कर लिया है। 8 से 10 मिनट में काफ़ी अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप एक बार बना के ज़रूर देखना इनको। तो इस तरह से मैं सारे नमकीन को बाहर निकाल दिया है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार हमारी नमकीन बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के भी इसको खा सकते हैं, बट हम इसके लिए एकदम बढ़िया सा मसाला बना के तैयार करेंगे, जिस तरह से मार्केट में मिलती हैं। तो अब हम लेंगे इसके लिए इस तरह से एक मिक्सी का जार। मैंने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर 1 चम्मच जीरा ये डाल रही हूँ मैं इसमें।
एक चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिए हैं साबुत धनिए के बीज। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट आपको बताइए कि फ्रेश चीज़ें में कितनी अच्छी खुशबू होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। आधी चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सफ़ेद नमक और आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है काले नमक से। 10 से 12 मैंने यहाँ पर ले ली है काली मिर्च, ये डाल रही हूँ। एक चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें आमचूर का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आता है। अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे, उसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। इससे बहुत ही अच्छी लगती है हमारे चना पटाखा, आप एक बार बना के जरूर देखना। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी चीज़ों का पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया एकदम तीखा चटपटा मसाला बनके तैयार है। फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि मसाला ज़्यादा बन गया है तो आप इस मसाले को स्टोर भी कर सकते हैं, आप इसको किसी भी टाइप के स्नैक्स वगैरह जो हम बनाते हैं, चाट बनाते हैं, उनमें आप थोड़ा सा डाल के इसको खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा मसाला बन गया है। अब मैंने यहाँ पर जो नमकीन ली है इसमें से मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 से 2 चम्मच के करीब मसाला, जितना भी आपको अच्छा लगे उतना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप पहले डाल के थोड़ा सा मिक्स करके देख लीजिए, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें पाउडर डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, ये देखिए एकदम बढ़िया से मसाला कोट हो चुका है इन पर। तो ये देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा खा के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। आप चाहें तो फ्रेंड्स इस तरह से भी इनको खा सकते हैं, आप इनको एयर टाइट कंटेनर भर के रख दीजिए, 5 से 6 महीने तक आप इनको यूज कर सकते हैं। बट मैं इसके लिए एक चटपटी से चाट बना के दिखाऊंगी आपको। तो उसके लिए हम एक बाउल में इस तरह से थोड़े से चना ले लेंगे, उनको हम रख देंगे किसी भी अटैक कंटेनर भर के, आप इनको स्टोर करके रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे ये, आप इनको 6 महीने तक भी खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल एकदम इस तरह से क्रिस्पी बने रहते हैं। तो चाट बनाने के लिए अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो एक बारीक कटी हुई मैं यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से चाट बना के बच्चों को देंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि कभी कभी लगता है कुछ चटपटा सा मिल जाए खाने की, कुछ हेल्दी सा मिल जाए, टेस्टी सा मिल जाए, तो आप इस तरह से चाट बना के खा सकते हैं। तो थोड़े से टमाटर प्याज धनिए की पत्ती हरी मिर्च मैंने डाल दी हैं, और जो भी मैंने मसाला बनाया है इसमें से थोड़ा सा मसाला मैं उसमें और ऐड कर रही हूँ। इससे एकदम बढ़िया चटपटी हमारी इस तरह से चाट बन के तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर लिया है। अगर आपको खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे नमकीन बनके तैयार है चना पटाखा। आप एक बार इसको बनाइए खाइए, आपके घर में सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।